नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री राजगुरु गंतव्य चित्रलोना में। हम अध्याय एक पहले पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम। देखिए कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में, हम कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी जो थी कंप्यूटर से परिचय वो हम पहले कर चुके हैं। अब जैसे हमारा दूसरा जो टॉपिक रहेगा आज वो रहेगा कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है देखिए ध्यान से देखना है आपको। एक कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए कंप्यूटर पेरिफेरल या इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग करता है। कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के जो वातावरण है उसमें बातचीत करने के लिए क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग करता है। कंप्यूटर पेरिफेरल्स को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। उसमें पहला है आपका इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस और तीसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइस में विभाजित किया जाता है। अब सबसे पहले आपको सीखना है कंप्यूटर को शुरू करना, कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है। देखिए आपको पहले यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दिखाए गए हैं, जैसे कीबोर्ड है, ऑप्टिकल पेन है, स्कैनर है, बार कोड रीडर है, जॉयस्टिक है। उसके बाद यहाँ आउटपुट दिखाए गए हैं, ये सभी आउटपुट्स है। और ये इनपुट और आउटपुट के दोनों का कॉमन देखिए यहाँ पे है, ये आपके है जिसे कहोगे इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ये दोनों जो दिख रहे हैं दोनों में कॉमन हो। तब कंप्यूटर स्टार्ट करना, लैपटॉप को ऑन बटन दबाकर किया जा सकता है शुरू। आमतौर पर डेस्कटॉप लैपटॉप में अगले हिस्से पर एक पावर ऑन बटन होता है। अपने कंप्यूटर शुरू करने के लिए इन चरणों का पालन करना है आपको। आपको देखिए ये जो दिया हुआ है ये दिस इज टिपिकल पीसी ऑन बटन ऑन द फ्रंट मिडल ऑफ टावर, और ये आपका लैपटॉप में बटन होता है ये पीसी में। तो ये बटन सबसे पहले आपको ऑन करना है। उसके बाद देखिए दूसरा चरण है बटन को पुश करें। आप जो एलसीडी है उस पर ये बटन है उसको पुश करेंगे। कुछ कंप्यूटर पर कंप्यूटर ऑन स्थिति में बटन शोषण होता है, जैसे यहाँ पे आपको इसके अंदर थोड़ी सी लाइट के जैसी दिख रही होगी। काफ़ी मॉनिटर होते हैं जिसमें ये क्या होता है ऑन जैसे ही करते हैं तो उसमें ये लाइट है वो जल जाती है। लैपटॉप के सामने वाले हिस्से पर अक्सर एक लाइट होती है, अक्सर डेस्कटॉप मॉनिटर से जुड़ा होता है, तो सुनिश्चित करें कि मॉनिटर चालू है। अधिकांश कंप्यूटर मॉनिटर पर स्क्रीन के निचले कोने पर एक ऑन ऑफ बटन होता है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये मॉनिटर आपका चालू है या नहीं है। अब आपको कंप्यूटर पर लॉग इन करना है। पहले आपको सीपीयू स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको मॉनिटर देखना है कि यहाँ से मॉनिटर जो आउटपुट है दे रहा है आपको वो आपका स्टार्ट है या वो आपको देगा। यदि आप कंप्यूटर के एकमात्र उपयोगकर्ता यूजर है तो उसके शुरू होने पर सीधे डेस्कटॉप पर पहुँच सकते हैं। अगर आप एकमात्र यूजर है तो ये सीधा आपको इस कंप्यूटर डेस्कटॉप पर ले जाएगा कंप्यूटर। लेकिन यदि आप इस सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए पुस्तकालय, साइबर कैफे में, तो आपको लॉगिन करने के बारे में निर्देश दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये जो नज़र आ रहे हैं तीन आपको अलग अलग यूजर करता है उनको दिखा रहे हैं। देखिए तो इसमें से आपको जिस यूजर में आप इसको कंप्यूटर को ओपन करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके जो पासवर्ड वगैरह है उसको लगा कर आप उसको शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कंप्यूटर सिस्टम के घटक, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के घटक में हम देखेंगे सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा को इनपुट करते हैं, यानी कि कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, फिर उसके इनपुट किए हुए डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद उसको स्टोर करते हैं और इच्छित रूप में परिणाम हमें देते हैं, आउटपुट देते हैं। डेटा का मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स से है। जो डेटा हम डाल रहे हैं उसका मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हम डाल रहे हैं। डेटा एक इनपुट डिवाइस है के माध्यम से कीबोर्ड जैसे के माध्यम कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इसके बाद ये निर्देशों के सेट के अनुसार क्या करता है, कंप्यूटर आगे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से जैसे मॉनिटर पे हमें क्या कर देता है, ये प्रदर्शित करता है। इसे कहते हैं हम
आउटपुट डिवाइस जो मॉनिटर होता है, कंप्यूटर डेटा संसाधित करता है, प्रोसेस करता है डेटा को, और सूचना का उत्पादन करता है, इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन करता है। कंप्यूटर लेवल विद्युत संकेतों जैसे ऑन ऑफ को ही समझ सकते हैं, जहाँ ऑन का मतलब सर्किट ऑन, ऑफ का मतलब सर्किट ऑफ। बाइनरी सिग्नल होते हैं कंप्यूटर ऑन और ऑफ। अब देखिए, कंप्यूटर एक सूचना प्रणाली है का हिस्सा है, तो सूचना प्रणाली के 5 भाग भी हैं, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर एंड लॉग टू पीपल। यानी कि सूचना प्रणाली के जो 5 भाग है, उसमें पहला है आपका डेटा, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा है सॉफ्टवेयर, फोर्थ है प्रोसीजर, और चौथा आपका है, पांचवा है लास्ट, वो है पीपल। अब यहाँ पे आपको सूचना प्रणाली के जो घटक दिखाई जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे आपको यहाँ पे दिखा दिया इन्होंने डेटा, ये जो डेटा आपको दिख रहा है मेमो अब लिखा हुआ कीबोर्ड से, ये आपका डेटा है। उसके बाद ये हार्डवेयर लगे हुए साथ में, जो भी सीपीयू है, सीपीयू है, कीबोर्ड जो भी है अंदर, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। और ये लोगों के पीपल, ये सभी पांचों के बारे में यहाँ बताया हुआ है। उसके बाद देखिए, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उनका भी इन्होंने अलग से बाहर लिखा हुआ है, एक्सेल है, पावरपॉइंट है, विंडोज है, वर्ल्ड है, ये जो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया हुआ है। लोग, पहला देखिए पीपल, पीपल या लोग सूचना प्रणाली के 5 भागों में से एक है। कंप्यूटर के द्वारा लोगों को अधिक उत्पादक या प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रोसीजर, ये वे नियम या दिशा निर्देश हैं जो कि लोग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डाटा का उपयोग करते समय करते हैं। ये उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम दिशा निर्देशों का एक सेट होता है, कंप्यूटर को निर्देशित करता है स्टेप बाय स्टेप कैसे कार्य करना है। ये कौन करता है ऐसा, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को नियंत्रित किया जाता है, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है, इसको कंट्रोल करता है, जैसे कि प्रोसेस कर सूचना में उसको बदलना। इनमें कीबोर्ड, माउस प्रणाली, माउस मॉनिटर और प्रणाली इकाई अन्य उपकरण होते हैं। डेटा, कचेरों प्रसंसाधित तथ्यों जैसे कि पार्ट, संख्या, इमेज और ध्वनियों को डेटा कहा जाता है। अब कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक की बात करें, तो इसमें एक घटक है आपका हार्डवेयर घटक, दूसरा है सॉफ्टवेयर घटक। तो हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब होता है, देखिए हार्डवेयर का सामान्य शब्द है, इसका सामान्य अर्थ देखें तो क्या होता है, ये एक सामान्य शब्द होता है हार्डवेयर, जो कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी घटक जिसकी भौतिक उपस्थिति हो, जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके, का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी कि हार्डवेयर क्या होता है, जिसको देखा जा सके, जिसको छुआ जा सके, स्पर्श किया जा सके, उसे हम हार्डवेयर कहेंगे। और हार्डवेयर के जो मुख्य घटक है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के हार्डवेयर के जो मुख्य कंपोनेंट्स है, घटक है, वो ये है, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी और सेकेंड मेमोरी, ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर पूछा जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर घटक है प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट और मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में देखें, तो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिलिकॉन वर्क का बना होता है। प्रोसेसर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिलिकॉन वर्क का बना होता है। एक सिलिकॉन वर्क लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है, यानी कि एक जो सिलिकॉन वर्क है वो लाखों छोटे छोटे विद्युत भागों से बना होता है। एक प्रोसेसर में अरबों मिलियन ट्रांजिस्टर होते हैं, जो सिस्टम के भीतर मौलिक कंप्यूटिंग करता है, तथा सीधे या प्रत्यक्ष रूप से अन्य सभी घटकों को नियंत्रित करता है। कौन करता है, ये प्रोसेसर कहता है। अब देखिए, उसके बाद ये था आपका हार्डवेयर घटक, उसके बाद है सॉफ्टवेयर घटक। सॉफ्टवेयर घटक की बात करें, तो कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर घटक की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती है, वे हमें अंदर देखिए डिस्प्ले पे, उसमें हम देख सकते हैं लेकिन उसको हाथ लगा के छू नहीं सकते, वे डिजिटल मेमोरी में, डिजिटल रूप में संग्रहित होते हैं, इसीलिए उनकी भौतिक उपस्थिति हम कहते हैं कि वो अब्सेंस होती है, अब्सेंट होती है, प्रेजेंस नहीं होती है। ये डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेसर के लिए निर्देश है, जबकि डेटा एक प्रोग्राम की जरूरत है। डेटा कई तरह के हो सकते हैं, जैसे अल्फाबेटिक डेटा, संख्यात्मक डेटा आदि, इमेज, ऑडियो डेटा, जो भी है, ये सॉफ्टवेयर घटक। तो जो हमारे हार्डवेयर घटक थे ये, और दूसरा था आपका सॉफ्टवेयर घटक। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हार्डवेयर घटक। हार्डवेयर घटक में हम बात करते हैं, प्रोसेस की तो कर ली हमने बात, अब बात करते हैं
इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस में देखें तो पहला नाम आता है कीबोर्ड का, इसका आता है कीबोर्ड का नाम आता है। अब देखिए कीबोर्ड क्या होता है, ये आपको डिस्प्ले, आप सभी ने कीबोर्ड तो देखा ही है, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, थोड़े इसमें कीज अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसा आप कीबोर्ड खरीदोगे जैसे अलग अलग कंपनियों में अलग अलग की है वो। देखो ये बीच में जो ये मध्य सो फंक्शन जनरल जितने की होती है वो सभी में होती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा फंक्शन की काफ़ी कुछ कीबोर्डों में ऐसा होता है। कंप्यूटर की कीबोर्ड सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस में से एक है, जिसके द्वारा संख्या, अक्षर, विशेष कैरेक्टर को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। यानी कि अगर किसी संख्या को, अक्षर को, विशेष कैरेक्टर को कंप्यूटर में इनपुट देना है तो फिर वो कीबोर्ड के माध्यम से ही दे सकते हैं। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर को कोई विशेष कार्य आदेशित करने के लिए भी किया जा सकता है। एक कीबोर्ड में अल्फाबेटिक न्यूमेरिक की होती है, जिसका उपयोग टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। देखिए और एक कीबोर्ड में जो कीबोर्ड की तरह एडिटिंग कीज एवं फंक्शन कीज भी होती है, जो सीधे फंक्शन को शुरू करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और देखिए कीबोर्ड में कैप्स लॉक, यहाँ जो होता है कैप्स लॉक और नम लॉक, ये जो नंबर होते हैं इस पे, यहाँ कॉर्नर पे होता है नम लॉक जिसे कहेंगे, और स्क्रॉल लॉक भी होता है, स्क्रॉल करना बंद हो जाता है स्क्रॉल लॉक, और इसे क्या कहा जाता है टॉगल की कहा जाता है, जो विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। या आपकी कंट्रोल की होती है या अल्ट की होती है, और इन दोनों की को कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे, ये क्या दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में प्रयोग में ली जाती है। अधिकांश कीबोर्ड नंबर इनपुट करने के लिए अलग संख्यात्मक ग्रेड अनुभाग के साथ काम आते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस की बात करें, कीबोर्ड के बाद हम बात करेंगे पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, जिसे हम कहते हैं माउस, वो बिल्कुल अलग है पॉइंटिंग डिवाइस से। पॉइंटिंग डिवाइस की बात करें तो उसमें क्या आता है, देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI जो कि बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से, जैसे कर्सर की स्थिति बताने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। पॉइंटिंग डिवाइसेस निम्न प्रकार से है, पहला आपके आता है पॉइंटिंग डिवाइस में बात करें तो माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक एवं टच स्क्रीन। अधिकतर पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं वो क्या है, एक USB पोर्ट से कंप्यूटर से जुड़ते हैं। तो माउस की बात करें, आप देखें माउस और माउस के बारे में आप सभी जानते हैं, इस यहाँ पे दो स्विच होते हैं और बीच में क्या होता है एक रोल होता है, जिसकी सहायता से आप किसी भी PDF को स्क्रॉल कर सकते हैं या कोई भी सूचनाओं को आप स्क्रॉल करके, उसमें एक बॉल की तरह काम करता है, मूव करता है। और कॉलर्स और मूवमेंट, इसमें दो लाइट भी होती है, सेंसर भी लगा होता है, तो ये एक लेफ्ट साइड में की होती है, एक राइट साइड में की होती है, और एक बीच में आपका स्क्रॉल करने के लिए एक राउंड रोल लगा होता है। तो माउस के बारे में आप सभी जानते हैं। उसके बाद देखिए आपकी बात करते हैं टच पैड, ये क्या होता है, देखिए टच पैड जो आप माउस का यूज करते हैं लैपटॉप के अंदर, वो आपका टच पैड जिस पे आप उंगली घुमाते हो तो ये कर्सर इधर इधर घूमता है, इसे आप कहेंगे टच पैड जो कंप्यूटर में। ट्रैक बॉल आपने कई ऐसे मोबाइल में भी आपने देखा होगा, सबसे मेन स्विच होता है जो बीच में, उस पर एक बॉल लगी होती है जिस पे ऐसे घुमाते हो तो वो कर्सर है वो आपका इधर उधर घूमता है। ट्रैक पॉइंट ये भी एक तरह की जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है, ये ट्रैक पॉइंट एक छोटे जॉयस्टिक की मान लीजिए। और उसके बाद ट्रैक बॉल ट्रैक बॉल एक माउस की तरह होता है, जिसमें बॉल सिर्फ टॉप पर होती है। ट्रैक बॉल को रोल करने के लिए अंगुलियों का उपयोग करते हैं, आंतरिक रोलर्स इस मूवमेंट को सेंस करके कंप्यूटर को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ट्रैक बॉल के बाद आती है आपकी जॉयस्टिक।
देखिए जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है ये आपको नजर आ रहा होगा, गाड़ी का जो गियर होता है उसी तरह छोटे बच्चे गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का ज्यादा सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, जो गेम को कंट्रोल करता है, गेम को नियंत्रित करता है और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में पूरे गेम को क्या करता है, डिवाइस करता है। ग्राफिक्स टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, स्पेशल पेन होती है उसको यूज किया जाता है और उससे उस टैबलेट पे क्या है उसकी स्क्रीन पे ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, इसे कहते हैं आप ग्राफिक्स टैबलेट। और उसके बाद स्कैनर आप सभी ने देखे हैं जिसमें हम किसी भी पेज की हार्ड कॉपी डाल के उसको स्कैन करके कंप्यूटर के मॉनिटर में हम ले सकते हैं। उसके बाद बात करें मिडी डिवाइस, मिडी डिवाइस में देखिए संगीत यंत्र डिजिटल इंटरफेस एक प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रचार करने के लिए डिजाइन किया गया है, इनके द्वारा मिडी कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, ये कलाकार कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए संगीत को प्ले कर सकता है। मिडी डिवाइस क्या करता है, किसी भी कलाकार के द्वारा जो संगीत रिकॉर्ड किया गया है उसको प्ले करने के लिए ये काम आता है। उसके बाद है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR कोड क्या होता है, देखिए ये कैरेक्टर पहचान एक तकनीक होती है जो मुख्य रूप से क्या उपयोग की जाती है, बैंक में यूज की जाती है, जो चेक होता है उस पर MICR के द्वारा एक विशेष प्रकार की कोडिंग की जाती है जिससे कि उस कोडिंग को जैसे स्कैन किया जाता है कोड को तो उसमें सारा का सारा डेटा है वो डिजिटल डाटा उसमें कंप्यूटर समझ जाता है, उस डाटा को कंप्यूटर पूरा पूरा समझ जाता है। MICR ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, OMR, OMR का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर्स, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये एक विशेष स्कैनर है जो पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग में होता है। सबसे आम उदाहरण आप परीक्षाओं में देखे होंगे उत्तर पुस्तिकाओं की जगह OMR सीट आजकल आपको परीक्षा में मिलती है, उसको क्या करता है OMR सीट में जो आप गोले भरते हो उन गोलों को क्या किया जाता है, स्कैन करने के काम आता है, उसका परिणाम को उत्पादन करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। ये आजकल चुनावों में भी और सर्वेक्षण किसी भी सर्वे के लिए, किसी टेस्टों के लिए, एग्जाम के लिए, परीक्षाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है और बहुत सारी कॉपियों को ये काफ़ी कम समय में चेक करके परिणाम हमारे सामने देता है। ऑप्टिकल करेक्टर रेगोगनाइजेशन OCR, इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, ये मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेज प्रिंटेड हस्तलिपित टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरित करता है, यानी कि ये रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट, दस्तावेज, बैंक चालान, बैंक स्टेटमेंट्स, कंप्यूटर रसीदें, बिजनेस कार्ड, मेल आदि के डाटा को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित ये करता है, तो ये यहाँ काम आता है। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर भी आपने देखे होंगे, बड़े बड़े मॉल के अंदर आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु पे क्या होते हैं मूल रूप से एक बार कोड, ये समांतर लाइनों में एक बार कोड है वो बना के उसकी चिपका दिया जाता है। अब देखिए अब वो जैसे बारकोड रीडर से उस वस्तु पे वो स्कैन करता है तो बीप की आवाज़ आ के उसमें क्या हो जाता है, उस क्या चीज़ है, कितने रुपए की है, वो पूरा का पूरा अपने आप कंप्यूटर मॉनिटर में हो जाता है। उसके बाद है स्पीच रिकग्निशन डिवाइस, जो स्पीच को क्या कर लेता है इनपुट में बदल देता है, ये माइक्रोफोन एक इन डिवाइस है जिसका इस्तेमाल ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इंपोर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, ये एक वायर के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है और माउथ पीस जैसे डिवाइस को ऑडियो कैप्चर करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपका है वेबकैम, वेबकैम जो उस तरह आपने देखा होगा कंप्यूटर जो लैपटॉप में वेबकैम कंप्यूटर कंपनी के द्वारा साथ में कंप्यूटर में लगा हुआ है, लेकिन जो पीसी होते हैं उस पर वेबकैम अलग से ऊपर लगाया जाता है, ये कंप्यूटर से जुड़ा डिजिटल कैमरा होता है जो कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर नेट में इमेजेस वीडियो को कैप्चर करके कंप्यूटर में फीड करने में काम आता है और डिजिटल कैमरा इनपुट वस्तु बॉक्स करके पिक्चर लेता है और उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करके उसको कंप्यूटर में स्टोर करने का काम है वो किया जा सकता है।
इनपुट डिवाइस हमने देखे, उसके बाद हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में बात करें हम सबसे पहले सीआरटी, ये जो सीआरटी होता है देखिए, जिसे हम कहते हैं मॉनिटर। देखिए मॉनिटर आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने के लिए सबसे लोकप्रिय डिवाइस ही होता है मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी एक परंपरागत आउटपुट डिवाइस है, ट्रेडिशनल आउटपुट डिवाइस एक टीवी के समान होता है। सीआरटी मॉनिटर आपने सभी ने देखा होगा, इसकी सीआरटी की फुल फॉर्म है वो आपके है कैथोड रे ट्यूब। ये भी आपको पूछी जा सकती है, ये भी आपको याद करनी है परीक्षा में। ये क्या करता है, अलग अलग पावर की इलेक्ट्रॉन बीम उपयोग करके स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बनाती है। मॉनिटर स्क्रीन का आकार वीकेंड रूप में नापा जाता है। कभी भी कहा जाता है कि मेरे पास 14 इंच की एलसीडी है, 15 इंच की जो टीवी हम कहते हैं 36 इंच की है, 32 इंच की है, 28 इंच की है, तो वो वीकेंड के रूप में जाता है। एक कोने से विपरीत कोना जो होता है उसमें वीकेंड के रूप में ऐसे नापा जाता है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन पिक्चर्स में मापा जाता है। एक मॉनिटर कितने पिक्चर स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोड्यूस कर सकता है उसका रिजोल्यूशन कहते हैं। तो आपने सीआरटी मॉनिटर सभी ने देखे होंगे। और उसके बाद बात करते हैं प्लेट पैनल मॉनिटर। प्लेट ये कंप्यूटर से आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है ये देखिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपको याद कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है इसको। एलसीडी कई पतली परतों से मिलकर बनती है, प्रकाश इन परतों से गुजरता है, प्रकाश का ध्रुवीकरण होता है और उससे क्या हो जाता है, लंबे लंबे पिक्सल लेवल पर ये नियंत्रित किया जा सकता है, पिक्सल को हल्का और गहरा बनाया जा सकता है, इससे ये एक तरह की इमेज है वो बनाती है। सीआरटी मॉनिटर की तुलना में प्लेट बहुत ही हल्का होता है, सीआरटी का भी भारी होता है, उसमें रे ट्यूब लगी होती है इसलिए वो थोड़ा सा भारी होता है। आज जो सबसे अधिक तौर सबसे एलसीडी का उपयोग होता है उसमें थीन फिल्म ट्रांजिस्टर लगाकर डीएफटी का उपयोग किया जाता है, हर एक पिक्सल को नियंत्रित किया जाता है उसके द्वारा। और एलईडी मॉनिटर रूप से एलसीडी मॉनिटर है जिसमें एलईडी बैकलाइट लगा होता है जो एलसीडी पैनल की रोशनी को शक्ति प्रदान करता है। अब बात करते हैं प्रिंटर। प्रिंटर इंफॉर्मेशन को स्थायी पठनीय प्रारूप के रूप में प्रदान करता है, हम हार्ड कॉपी जिससे प्राप्त करते हैं। आमतौर पर आउटपुट एक कागज पर छपा होता है प्रिंट होता है। प्रिंट गुणवत्ता क्वालिटी DPI में नापी जाती है, डॉट पर इंच में इसकी डॉट्स पर इंच, ये भी DPI की फुल फॉर्म काफ़ी समय से एग्जाम में पूछी जा रही, ये भी आपको याद लेना है। प्रिंटर मोटे तौर पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किए गए, कंप्यूटर यानी कि इम्पैक्ट कंप्यूटर और नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर। अब सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्ट कंप्यूटर। इम्पैक्ट में पहला है आपका करेक्टर प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर आमतौर पर एक समय में एक करेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। करेक्टर प्रिंटर के सबसे लोकप्रिय उदाहरण डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर है। ये भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपने देखे होंगे, डाकघर में जो आपको आपको किसी भी स्पीड पोस्ट करते हो जो प्रिंट करके देता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेडर में छोटे छोटे सक्रिय पिन होते हैं जो साथ में एक इंक वाले रिबन होता है, उसमें क्या करता है ये उसको प्रिंट करता है। ये प्रिंटर आमतौर पर धीमे होते हैं और ये शोर भी ज़्यादा करते हैं, आवाज़ करते हैं। अब लाइन प्रिंटर की बात करें तो लाइन प्रिंटर एक समय में एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है। चैन प्रिंटर ड्रम प्रिंटर इसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट, देखिए इम्पैक्ट में जो है वो आपका है दो करेक्टर और लाइन, एक करेक्टर को प्रिंट करता है एक लाइन को। नॉन इम्पैक्ट में देखिए आमतौर पर नॉन ज़्यादा तेजी से प्रिंट करते हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में बिना किसी आवाज़ कम आवाज़ के साथ काम करते हैं। करेक्टर को प्रिंट करने के लिए इम्पैक्ट वाली डिवाइस का उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए इंक जेट प्रिंटर, ये जो आपको साइड में दिख रहा है इंक जेट प्रिंटर, ये क्या करता है घरों में उपयोग के लिए प्रिंटर का सबसे आम प्रकार का कलर इंक जेट प्रिंटर है। ये प्रिंटर हेड से स्याही की छोटी छोटी बूंदों को छिड़काव पेज की इमेज छिड़काव के द्वारा क्या करता है रंगीन चित्र बनाने के लिए प्रिंटर को स्याही के
कई रंगों की जरूरत होती है, और ये सभी से क्या करती है, छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करके इमेज को बना देती है। ये लागत में सबसे समय के उपयोग से महंगा बना देती है। प्रिंटर कार्टेज की लागत, यानी प्रिंटर कार्टेज होती है वो काफी महंगी होती है। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर कार्यालय व्यवसायिक प्रयोजन अच्छी क्वालिटी इमेज का उत्पादन करता है। इसके लेपित ड्रम होता है जो फोटो सेंसिटिव लेपित सामग्री के साथ लेपित होता है। इसमें ड्रम लगाया जाता है, उसको चार्ज किया जाता है, उसके बाद एक लेजर LED द्वारा ड्रम का इमेज निर्माण किया जाता है। अब ड्रम टोनर के थ्रू क्या करता है, घूमता है और कागज पर जमा हो जाता है, हीट के कारण कागज से जुड़ जाता है। थर्मल प्रिंटर, ये लेजर प्रिंटर का आपको दिख रहा है स्क्रीन पे इमेज। थर्मल प्रिंटर की बात करें तो ये स्पेशल पेपर पर प्रिंट करने के लिए गर्म तत्वों का उपयोग करता है। इससे सबसे ज़्यादा ATM से निकलने वाली रशिप की छपाई की जाती है। थर्मल इंकर क्या करता है, ये पेपर प्रिंट के लिए गर्म तत्वों का उपयोग करता है, और ATM के लिए ATM में से जो भी पर्ची निकलती है वो हमें क्या थोड़ी गर्म नज़र जब महसूस करता हूँ, उससे थोड़ी हमें क्या है गर्म लगती है। इसकी मुद्रण लागत अधिक है, इसलिए इसे पेशेवर कला या डिजाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉटर, प्लॉटर का उपयोग इंजीनियरिंग की अच्छी गुणवत्ता, कलाकृतियों, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्पीकर, आप सभी जानते हैं स्पीकर के बारे में, ये क्या ध्वनि को विस्तारित रूप में इसको क्या गया आउटपुट के रूप में हमें। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट की बात करें, ये बड़ी संख्या में कंप्यूटर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंटेशन निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करें ऐसे डिवाइस की जो इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, तो बात करें तो उसमें आती है पहले सबसे फैक्स मशीन। फैक्स मशीन डॉक्यूमेंट को सुनिए और एक की श्रृंखला में क्या करती है, परिवर्तित करता है, जो कि सामान्य कंप्यूटर डेटा की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जब फैक्स प्राप्त होता है तो फैक्स मशीन भेजे गए डाटा को डॉट्स में प्रिंट करती है और इमेज को द्वारा प्रिंट करती है। इस प्रकार ये इनपुट और आउटपुट दोनों का समान रूप से काम कर रही है। मल्टीफंक्शनल उपकरण, MFT की बात करें तो ये एक डिवाइस भिन्न प्रकार के कार्य कर सकती है, जो प्राय अलग अलग पेरिफेरल डिवाइस होता है। मल्टीफंक्शनल डिवाइस निम्न किसी भी कम से कम दो डिवाइस कॉम्बिनेशन मिलकर बना है, प्रिंटर और स्कैनर कॉपियर, ये प्रिंटर और स्कैनर दोनों से मिलकर बना होता है। बहुआयामी प्रिंटर से इसका एक उदाहरण है। मॉडेम की बात करें तो ये उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को हम क्या कहते हैं इसमें सॉरी इसी तरह ये प्राप्त जानकारी को टेलीफोन लाइन में संचारित करता है। टच स्क्रीन डिस्प्ले और डिजिटल कैमरा और आम इनपुट डिवाइस के अन्य उदाहरण है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, अगली जो क्लास हमारी होगी उसमें हम देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप कॉपी में उसको नोट करते जाएँ साथ साथ में, और एक बार आपकी जो बुक है आपके पास उसमें से एक बार आप उसको रिविजन करते रहें। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी। आप सभी ने क्लास को देखा, धन्यवाद, थैंक यू।